आज क्या कितना अरसा हो गया ये ऊँट का दूध बेचना? ये हमारा बचपन से यही काम है। बचपन से यही काम है। कितनी ऊँटनी है आपके पास? हमारे पास है चार। चार ऊँटनी है? ऊँटनी हमारे ऊँटनी है। नहीं नहीं, तो आगे नस्ल नहीं बनानी? नहीं, हम लोग किसी से लेके आते हैं। अच्छा, कितना बिक जाता दूध रोजाना? 10-15 किलो बिक जाता है। 10-15 बिक जाता है। किलो किस तरह है ये? 200 रुपए किलो है। इसके दूध में क्या फायदा है जिससे लोग ये ज्यादा इसका? ये हर बीमारी के लिए अच्छा है, कान के लिए, शुगर के लिए, हेपेटाइटिस, जोड़ों के दर्द के लिए, हर बीमारी के लिए अच्छा है। जद्दी पुष्टि काम है? हाँ, जद्दी पुष्टि यही काम। शादी शुदी नहीं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं तो बंदा जाने देता है? कारोबार ही है, फिर बंधन क्या बोल रहा है जी? खावन पैसे क्या करता है? इसका घास लेके आता है ऊँटों का। अच्छा, खावन सिर्फ घास लेता है, दूध की जिम्मेदारी आपकी, यानी उन्हें औखा काम ताटे जी में लाता है। दूध धोता कौन है? चोता कहते हैं लफ्ज़ का, धोना होता है। हम लोग चुवाई करते हैं, सारी चुवाई खुद ही करते हैं। हम लोग ही करते हैं, हम लोग 4-5 हज़ार कमा लेते हैं। मेरे साथ 2 जवान और खूबसूरत लड़कियां मौजूद है, आप देख सकते हैं पीछे इन्होंने 4 से 5 ऊँट काबू किए हुए हैं। ऊँटरियाँ भी हैं, ऊँट भी हैं। दूध वगैरह ये बेचते हैं? दूध बेचते कितने हैं और किस तरह ये इतना खतरनाक जानवर? आपको पता है जब ये थोड़ा सा जंगली हो जाता है या तो किसी पर भी अटैक कर लेता। बड़ी हिम्मत खातून मौजूद हैं, काम कर रही हैं, मांग नहीं किसी की, आगे हाथ नहीं फैला रही। नाम क्या आपका? ये तो मुझे डरा रहा है। मेरा नाम आसिया। आसिया, कितना अरसा हो गया ये ऊँट का दूध बेचना? ये हमारा बचपन से यही काम है। बचपन से यही काम है। कितनी ऊँटनी है आपके पास? हमारे पास है चार। चार ऊँटनी है? ऊँटनी हमारे? ऊँटनी है। नहीं नहीं, तो आगे नस्ल नहीं बनानी? नहीं, हम लोग किसी से लेके आते हैं। अच्छा, किसी से लेके आते हैं। कितना बिक जाता दूध रोजाना? 10-15 किलो बिक जाता है। 10-15 बिक जाता है। किलो किस तरह है ये? 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो है जी। आजकल लोग कोशिश करते हैं कि भैंसों का दूध ले, गाय का दूध ले। इसके दूध में क्या फायदा है जिससे लोग ये ज्यादा इसका? ये हर बीमारी के लिए अच्छा है, कान के लिए, शुगर के लिए, हेपेटाइटिस, जोड़ों के दर्द के लिए, हर बीमारी के लिए अच्छा है, इसलिए लोग ज्यादा यूज ये करते हैं। ये इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन 10-15 किलो तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। जो जिन्होंने मजे रखी है वो तो 100-100 और 200-200 किलो बेच रही है। नहीं, सुबह से लेकर शाम तक एक ऊँटनी देती 10-15 किलो। अच्छा, एक ऊँटनी? एक जानवर 10-15। आप आते कहाँ से और कितने बजे तक यहाँ पे खड़े रहते हैं? हम लोग सुबह 10 बजे आते हैं, शाम तक इधर खड़े होते हैं। हम लोग लियाका चौक से आते हैं। कहाँ से आते हैं? लियाका चौक, सब्जा बाजार। सब्जा बाजार से आते हो? सब्जा बाजार से आते हो और यहाँ पर सुबह 10 बजे और शाम कितने बजे तक? शाम मगरिब तक चले जाते हैं। मगरिब तक होते हैं, यानी जिन्होंने दूध लेना आपसे यहाँ पे रब्ता ले जी ले सकते हैं। जद्दी पुष्टि काम है? हाँ, जद्दी पुष्टि यही काम। शादी शुदी नहीं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं तो बंदा जाने देता है? कारोबार ही है, फिर बंधन क्या बोल रहा है। अच्छा, खावन पैसे क्या करता है? इसका घास लेके आता हूँ। अच्छा, खावन सिर्फ घास लेता है, दूध की जिम्मेदारी आपकी, यानी उन्हें औखा काम ताटे जी में लाता है। आप ही साथ ही होते हो? आप क्या लगते हो इनकी? मैं इसकी ननान हूँ। अच्छा, आप इसकी ननान? हाँ। हो, मदद के लिए साथ आती है। दूध धोता कौन है? चोता कहते हैं लफ्ज़ का, धोना होता है। हम लोग चुवाई करते हैं, सारी चुवाई खुद ही करते हैं। हम लोग ही करते हैं। तो खौफ नहीं आता, डर नहीं आता? ये तो बड़ा खतरनाक जानवर। हमारा काम ही है, तो फिर खौफ किस बात का है? अच्छा जी, बचपन से इन्हें पाल लिया कि बड़े लिए हैं आप? मैंने बचपन से, यही हमारा काम है। छोटे बच्चे थे ये भी? हाँ जी। आप लोगों के साथ ही? हम लोगों ने पाले हैं। हाँ जी। आप लोगों का नाम पहचान था? कोई नाम भी रखे इन लोगों के? नाम नहीं रखे, नाम किसी का नहीं। लोगों ने प्यार से पाले होते हैं, उन्होंने नाम भी रखे होते हैं। हम लोग इसको कैमल बोलते हैं, नाम इसका कोई नहीं। कैमल डाची बोलते हैं। डाची नहीं बोलते, डाची बोलते हैं। उसने तो नाम रखा हुआ है, हम लोग यही बोलते हैं। इसका नाम डाची या बाकियों का नाम क्या है? उसका नाम भी डाची है। उनका नाम डाची करके बुलाते हैं। डाची करके बुलाते हो? तो रोजाना कितना के वैसे अर्न हो जाता है, कितना के कमाते हम लोग चार पाँच हजार कमा लेते हो। तो पीछे कहाँ से हो? जद्दी पुष्टि हमारा लाहौर में ठिकाना है। लाहौर में ही ठिकाना है? हमारे साथ हर साइड पर, हर साइड पर ब्लोच है हमारे। अच्छा, मैंने देखा कि आप लोगों ने झुग्गियों के अंदर सारा बसेरा किया होता है। माशाल्लाह 4-5 हज़ार रुपया कमा रहे हो तो महीने का, तो ये कम से कम भी कोई 1.5 लाख रुपया, 1 लाख से ऊपर इनकम बन जाती है, तो फिर क्यों नहीं कोई अच्छा घर बनाती? हम लोग इसका घास भी, खर्चा भी इसके अंदर से करते हैं। घास लेके आते इसका 2025 को इसका घास आता है। 2025 होगा ना? 4-5 ऊँट है तो फिर इतने के खाएंगे ना। अच्छा जी, आपके सामने सूरत हाल है कि ये 2 दबंग खवातीन है, एक ये ऊँट है, पीछे भी ऊँट नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग एक इस वजह से ले आए कि हमें खतरा था, लेकिन ये दबंग खवातीन जो है ये रोजगार कमा रही है। वो कह रही है बंदा मेरा सोखे काम से ला गया तो मैनू औखे काम से लाता है। और बड़ी खुशी होती है इन लोगों को देख के कि ये लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, और बड़ा दुख होता है उन लोगों को देख के जो इनके तबके में से लोग हैं वो मांग रहे होते हैं सड़कों पर। और सलाम है आप लोगों को, इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।